एक बढ़िया सा स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक बार जंगल में फ्रॉक यानी मेंढकों का रेस अरेंज किया गया था। इस रेस में सभी मेंढकों को एक बहुत ही बड़े दीवार पर क्लाइम करना था। इस रेस को देखने के लिए जंगल के सभी एनिमल गैदर हुए और जैसे रेस हुआ मेंढकों दीवार पर चढ़ने लगे और एनिमल उन्हें चीयर करने लगा। चीयर के साथ साथ कुछ नेगेटिव कमेंट भी आने लगा, जैसे कि ये मेंढक तो बहुत स्लो है, ये मेंढक बहुत मोटा है, इस मेंढक से तो नहीं हो पाएगा, ये बहुत फनी है। थोड़ी देर बाद काफ़ी मेंढकों ने इस कमेंट को बहुत ही सीरियसली ले लिया और वो इस कमेंट को सच मानने लगा और गिव अप करने लगा। कुछ मेंढकों ने चेयर को ज़्यादा ही सीरियसली लेके और कॉन्फिडेंट होने लगा और उन्होंने अपने गोल से फोकस लूज कर बैठे। लेकिन एक फ्रॉग ऐसा था जो बिना रुके फुल एनर्जी के साथ क्लाइम कर रहा था। आखिर में यही फ्रॉग ऊपर पहुंचते हैं और इस रेस का विनर हो जाते हैं। रेस के बाद सभी एनिमल गैदर होते हैं और ये जानना चाहते हैं और पूछते हैं ये कैसे हुआ, ये फ्रॉग कैसे जीता। तब पता चलता है कि ये फ्रॉग यानी कि मेंढक डेफ था। जब लोग नीचे खींचने के लिए नेगेटिव कमेंट कर रहे थे तो इस फ्रॉग को सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो नीचे देख रहे थे और उन्हें लगा लोग उसका एनकरेज कर रहे हैं और इस तरह से वो फ्रॉग विनर हो गए। और ये कहानी कितना हमारे लाइफ के लिए रिलेट और सच है। जब हम कुछ अचीव करना चाहते हैं तो लोग हमसे ये कहते हैं तुमसे ये नहीं हो पाएगा, यू आर नॉट कैपेबल, यू कैन नॉट डू इट। और काफी बार इन बातों को हम सच मान लेते हैं और अपने गोल को गिव अप कर देते हैं और कभी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। ये मेरा पर्सनल मैराथन का स्टोरी है जहाँ पे मैंने नेगेटिव कमेंट को कैसे हैंडल किया है। जब मैंने मैराथन रन के लिए प्रैक्टिस करना शुरू किया तब लोग कहते थे तुम बहुत मोटा है, तुम ज्यादा ओवरवेट है, तुमसे मैराथन तो नहीं हो पाएगा। एक बार तो मैं ये नेगेटिव कमेंट को सच मान लिए बैठे और मैं अपने आप पर डाउट करने लगा कि मुझसे हो पाएगा। तभी मुझे अंदर ही एक छोटा सा सेल्फ बिलीव था कि मैं इसे कर पाऊंगा। मैंने मैसूर में सबसे अपना पहला 10 किलोमीटर का मैराथन कंप्लीट किया, जिसके द्वारा मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, मुझे मैराथन क्या होता है उसका थोड़ा सा झलक मिला। और उसके अगले साल बेंगलोर के मिडनाइट मैराथन जो 42 किलोमीटर के होते हैं उसे मैंने कंप्लीट किया और इसके द्वारा मुझे काफ़ी ज़रा कॉन्फिडेंट में बूस्ट मिला। काफ़ी चैलेंजिंग थे, काफ़ी पेनफुल थे, लेकिन इसे अचीव करके मैं बहुत ही खुश थे। केवल इतना में मैं नहीं रोका, 2022 में मैंने डिसाइड किया कि मैं अल्ट्रा मैराथन यानी कि 72 किलोमीटर के खरदुंगला चैलेंज, वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट चैलेंज मैराथन 72 किलोमीटर के होते हैं, उसे करने का मैंने डिसाइड किया। 2022 ईयर सितंबर में मैंने इस मैराथन को भी कंप्लीट किया जो बहुत ही चैलेंजिंग हाई एल्टीट्यूड में एक्सट्रीम क्लाइमेट में दौड़ना था, तो इसे भी अचीव किया। तो इसके द्वारा मैंने बहुत सारा चीज़ सीखा कि नेगेटिव कमेंट को कैसे हैंडल करना चाहिए और पॉजिटिव कमेंट को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। एक बहुत ही बढ़िया सा सेइंग है, डोंट टेक फेल्योर या नेगेटिव टू योर हार्ट एंड डोंट टेक सक्सेस और प्राइड टू योर हेड। आप बात करेंगे 3 नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नेगेटिव कमेंट्स इन योर लाइफ। सबसे पहले वाला बैड इफेक्ट है, ये एक सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं जिसके द्वारा आप फियर होने लग जाते हो। दूसरा नेगेटिव इफेक्ट लॉस ऑफ फोकस, जब आप ज़्यादा नेगेटिव कमेंट सुनते हो तो आप अपने फोकस अपने गोल से हट जाते हो, आप ब्लर हो जाते हो, आपके कॉन्फिडेंस चूर चूर हो जाते हो। नंबर 3 बैड इफेक्ट इमोशनल ड्रेन, किसी तरह के नेगेटिव कमेंट्स या कहीं में भी आपको कोई लोग ताना देते हैं तो आपके मेंटल पर इफेक्ट होते हैं और जब मेंटल पर इफेक्ट होते हैं आपके काम या फैमिली या रिलेशनशिप में प्रोडक्टिविटी पर लॉस हो जाते हैं, जिससे आपका इमोशनल ड्रेन हो जाते हैं। 3 प्रैक्टिकल टिप टू हैंडल नेगेटिव कमेंट्स। नंबर 1 सेलेक्टिव हियरिंग, सब कुछ सुनना ज़रूरी नहीं होते हैं। जैसे कि फ्रॉग के कहानी में वो सुन नहीं सकते थे, इनफैक्ट ये एक डिसेबल है, लेकिन यही चीज़ उसका सक्सेस का कारण हो जाते हैं। तो काफ़ी बार नेगेटिव कमेंट को अपना कान बंद कीजिए, सब कुछ सुनना ज़रूरी नहीं है। नंबर 2 सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, ये इतना बढ़िया एक की पॉइंट है। किसी तरह किसी चीज़ को अचीव करना है, केवल सिर्फ नेगेटिव कमेंट को अवॉइड करने के लिए नहीं, लाइफ में हर ब्लेसिंग हर पॉजिटिविटी के लिए
यू हैव टू सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल. नंबर 3, स्ट्रेंथ योर सेल्फ बिलीफ. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खुद पर विश्वास रखो. जब तक आप अपने गोल पर फोकस टिका रहेगा, कोई भी नेगेटिव कमेंट आप पर इफेक्ट नहीं होगा. दोस्त ये याद रखिए, लाइफ में आपको दो तरह के इंसान मिलेंगे. एक इंसान जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, आप उससे दूर रहना होगा. दूसरा एक ऐसा इंसान या ऐसा एक कम्युनिटी जो आपको बढ़ावा देंगे, जो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाएंगे, आपको उसे चुनना होगा, उसे सुनना होगा, नेगेटिविटी को नहीं सुनना होगा. प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए आप नेगेटिव कमेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. अपने कान को नेगेटिव कमेंट से बंद रखिए, अच्छे काम कीजिए, खुश रहिए. डू गुड, बी हैप्पी. नमस्ते.